नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम नोज के स्टार्स में। मैं हूं आपके साथ आभा सोनी और आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में हैं परी चौधरी, जिन्होंने 11th में 94% मार्क्स लेकर टॉप किया है और अब वो 12th में हैं। वो अपने नोज के एक्सपीरियंस को हमारे साथ इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ के बच्चों के अंदर आत्मविश्वास हम बढ़ाएं, उनके टैलेंट को बाहर निकालें और उन्हें आगे सफलता मिले, इसके लिए हम उन्हें तैयार करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज परी चौधरी से। तो हमारे साथ हैं आज परी चौधरी। तो परी, क्या आप उड़ान भरने के लिए तैयार हैं? जी। आपने 11th में टॉप किया है 94% मार्क्स से, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह से आपने स्टडी की कि आपने टॉप किया? बहुत ही लीनियंट वे में स्टडी किया, मतलब जो डेली टीचर्स पढ़ाते थे उसको घर जाके रिवाइज कर लिया पेपर के टाइम पे, तो हो गया। नोज़गी में एडमिशन कब लिया आपने? 11th स्टैंडर्ड में। 11th में, उससे पहले कहाँ थी? जयपुर। आप 10th में किसी दूसरे स्कूल में थी, उसके बाद आपने 11th में नोज़गे में एडमिशन लिया। तो ये दोनों स्कूल किस तरह से डिफरेंट हैं, आप कुछ शेयर करना चाहती हैं? यहाँ पे टीचर्स ज़्यादा अटेंटिव हैं, हर स्टूडेंट को ज़्यादा इंडिविजुअली अटेंशन मिला मेरे को। यहाँ पे मुझे ज़्यादा ना स्टडी वाइज बहुत अच्छे से मटेरियल प्रोवाइड किया, हर टीचर ने मेरे को बहुत हेल्प किया। टीचर्स ने भी हेल्प की? बहुत हेल्प किया टीचर्स ने। तो आपको क्या डिफरेंस लगा वहाँ से यहाँ पर? वहाँ पे टीचर्स इतना ध्यान देते नहीं थे, जो भी था मेरा सेल्फ स्टडी पे ही बेसिस पे ही था। यहाँ पे मतलब मुझे ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं पड़ा। आपने टॉप किया है तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने इससे पहले भी अदर क्लासेस में टॉप किया है या फिर आपने फर्स्ट टाइम टॉप किया है? नहीं, 10th में भी मैं अपने स्कूल में टॉपर थी। 10th में भी टॉपर है, लेकिन वो सेल्फ स्टडी हुई? हाँ, वो सेल्फ स्टडी और ट्यूशन के ऊपर था। अच्छा। यहाँ पे सारा स्कूल के अंदर बहुत तो ही, आप नोज़गे में आके सेटिस्फाइड हैं कि बहुत फाइनली स्टडी वाइज बहुत सेटिस्फेक्शन मिला मेरे को यहाँ पे। तो परी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप इन फ्यूचर क्या करना चाहती हैं? अभी आप 12th में हैं तो किस स्ट्रेटजी से अपनी स्टडी कर रही हैं और इन फ्यूचर क्या करना चाहती हैं? अभी मैं क्लैट की प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो फिर उसके बाद यहाँ स्कूल में ही करवाते हैं क्लैट? जी, सीसी के अंदर हमें सारे कोचिंग्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है, तो मैं स्कूल के अंदर ही क्लैट की अभी कोचिंग कर रही हूँ। उसके बाद NLU में सिलेक्शन लेके फिर फ्यूचर में जज बन के आना, फिर यहाँ पे हम आपका फिर से इंटरव्यू जी नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए मैं वेट करूँगी आपका। तो परी, हमें ये बताइए कि आपने 11th में, आपके 11th में टॉप करने का सीक्रेट क्या रहा है? आपने किस तरह से क्या स्टडी की? पर्टिकुलर है नहीं एक्चुअली, कुछ हार्ड स्टडी कुछ नहीं की, बस नॉर्मल टीचर्स ने जो नॉर्मल टीचर ने नोट्स दिए वो घर जाके रिवाइज कर लिया बस। तो ये दूसरे स्टूडेंट्स को एक तरह से बताया जा सकता है कि आप चलते चलते भी टॉप कर सकते हैं। जी, बस नॉर्मल एक्स्ट्रा स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ नोज़गे में एक्स्ट्रा स्टडी मैम ही करवा देते हैं, सेल्फ स्टडी की आपको जरूरत नहीं। टीचर्स पूरा अच्छे से ज्यादा करा देते, बस जो डेली बेसिस पे कर लिया तो वो मोर देन इनफ रहता है। ज्यादा तो अभी आपने 11th में कौन सा सब्जेक्ट ले रखा है? आर्ट्स ले रखा है और स्टार्टिंग से टॉप किया है। किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है कभी? पहले करती थी सेल्फ ताइक्वांडो में, बट फिर जैसे जैसे बड़ी होती गई तो स्टडी प्रेशर की वजह से उसको छोड़ना पड़ा। अच्छा, और यहाँ पे नोज़गे का कोई आपका स्पेशल मोमेंट है कि हाँ ये होना चाहिए था, ये बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ? हमें सीसी वालों को दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में हमें हमारा न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हुआ था, तो वो काफ़ी अच्छा था। क्या किया था उसमें? टीचर्स वगैरह के साथ हमने खूब इंजॉय किया था, टीचर्स ने, हम सब स्टूडेंट्स ने रैंप वॉक किया था, डांस वगैरह किया था, इट वाज लाइक वेरी नाइस। तो परी, हमें ये बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे मदर, फादर और एक छोटा ब्रदर है, दादा दादी, चाचू वगैरह वो सब अलवर रहते हैं। ओके, आप अपनी फैमिली में किससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अटैच्ड हैं? फादर से। रीज़न? पापा थोड़े ज़्यादा लीनियंट है, मम्मा से भी क्लोज हूँ, बट लेट्स जस्ट से वही पापा की परी वाला सीन है मेरे साथ। पापा की परी, तो मतलब नाम भी परी है और पापा की परी भी? पापा नहीं रखा है, तो थोड़ा पापा से ज़्यादा अटैचमेंट है। तो अभी आपने बोला कि आप जज बनना चाहती है, इसके लिए आपको पापा ने कोई स्पेशल सपोर्ट किया, किसी तरह से गाइड किया कि हाँ आप जा सकते हो? क्योंकि आपने बोला आप स्टार्टिंग से ही टॉप करती रही हो, तो आपने आर्ट्स क्यों चूज़ किया, आपको किसी ने कुछ बोला नहीं? एक्चुअली जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे पेरेंट्स ने चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मेरे मम्मा पापा दोनों ही बायो फील्ड्स हैं। बट जैसे जैसे लाइक 7th-8th तक आते आते मुझे इंटरेस्ट लगा कि हाँ मेरा ये SSC हिस्ट्री वगैरह इन सब में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने पेरेंट्स को कहा, तो
पहले तो थोड़ा करा बट फिर मान गए जी, मान गए। हाँ अच्छा परी, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी कि जैसे आप स्टडी करते करते बोर हो गए या फिर बैठे बैठे बोर हो गए तो अपने आप को चिल करने के लिए क्या करते हैं? सॉन्ग सुन लेती हूँ, थोड़ा नॉवेल्स वगैरह पढ़ लेती हूँ, इंस्टा वगैरह स्क्रॉल कर लेती हूँ, फ्रेंड्स वगैरह के साथ बात वगैरह कर लेती हूँ। जैसे फेवरेट फूड क्या है? फास्ट फूड में पाव भाजी। और कुछ घर में होता है ना कि आज संडे है तो मम्मा आज स्पेशल ये बनाओ। हाँ पाव भाजी बनवा देती हूँ, चाउमीन वगैरह, थोड़ा बाहर जाके भाई के साथ मोमोज खा के आ गए। आपकी कोई ऐसी स्पेशल विश है जिसे आप पूरा करना चाहती हैं? अभी करंटली तो बस ये है कि NLU में सिलेक्शन हो जाए, क्लैट में। अच्छा, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में बैंगलोर में सिलेक्शन हो जाए बस। तो परी आपको इंटरव्यू देके कैसा लगा? आप फिर से इंटरव्यू देना आना चाहती हैं यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, बहुत फ्रेंडली इंटरेक्शन था एंड आई होप कि 12th में भी अच्छे मार्क्स आ जाए। तो हाँ, इसीलिए आपको नेक्स्ट टाइम अगर आप टॉप करेंगी तभी यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आएंगे, और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी आप टॉप करें और आप इन फ्यूचर जज बने, जज बन के यहाँ पर आए तब मैं आपका इंटरव्यू लूँ। थैंक यू सो मच। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपकी कुछ राय है इस वीडियो के बारे में तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।